विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ दी है भाई। ये जो वर्ल्ड कप में कप्तानी करने वाले हैं, इनका पहला विश्व कप है T20 फॉर्मेट में बतौर कप्तान, और ये इनका आखिरी भी होने वाला है। इन्होंने कहा दैट्स इट बॉस, आई एम नॉट गोइंग टू बी द कैप्टन एनी मोर इन द T20 फॉर्मेट। अभी भी वनडे और टेस्ट की कप्तानी करते रहेंगे, पर ये तीन चार बड़े सवाल आपके जहन में जरूर आते हैं। टाइमिंग ऑफ द अनाउंसमेंट की क्या समय ऐसा क्यों, अभी क्यों, अभी तो आईपीएल भी शुरू नहीं हुई, अभी आप वर्ल्ड कप की बात क्यों कर रहे हैं। दूसरी बात की रोहित शर्मा, आई एम श्योर ही इज गोइंग टू बी द कैप्टन, नेक्स्ट कैप्टन, व्हाट डज ही ब्रिंग टू द टेबल। तीसरा, क्या विराट कोहली ओडीआई क्रिकेट में कप्तानी कर पाएंगे, मतलब क्योंकि ऐसा होता नहीं ना कि टेस्ट में और वनडे में कोई और, T20 में सिर्फ कोई और हो। देर आर एग्जाम्पल्स की यू वॉन्ट टू हैव रेड एंड व्हाइट बॉल्स सेपरेट कैप्टन, तो उस पर बात, और हु कुड बी द नेक्स्ट गाय इन लाइन, मतलब किसको उप कप्तान बनाना चाहेंगे। बहुत कुछ करने को है बात। ऑफकोर्स विराट कोहली से लेकर एक अच्छी बहुत खूबसूरत हिज स्टोरी भी है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। और आज का मेरा ट्रिविया यह है कि हु स्कोर्ड द फर्स्ट एवर सेंचुरी फॉर द चेन्नई सुपर किंग्स, किंग्स किंग्स सुपर किंग्स, कौन था भी वो सुपर किंग जिसने सबसे पहली सेंचुरी बनाई थी इस फ्रेंचाइज के लिए। हैशटैग आकाशवाणी। अब इस पर कोहली साहब की कहानी, भाई देखिए अफवाहों का बाजार था, वो बहुत जबरदस्त गर्म था, लोग अपनी फटाफट रोटियां सेके जा रहे थे, ये होगा वो होगा नहीं होगा, खंडन भी हुआ ये भी हुआ, दुनिया भर की बातें चल रही थी। अब अंत में विराट कोहली ने ट्विटर पे आया और एक लंबी ही चिट्ठी लिख दी, भैया ये लो खत्म, दैट इज इट, आई एम नॉट गोइंग टू बी द कैप्टन एनी मोर फॉर T20 क्रिकेट। वनडे और टेस्ट में मैं कप्तानी करता रहूंगा, और दिस इज ड्यू टू द वर्कलोड मैनेजमेंट, मतलब बहुत समय से मैं करता जा रहा हूं, तो आई वॉन्ट टू गिव myself a bit of a break, ठीक है टाइमिंग को लेकर। लेकिन थोड़ा सा मैं भी हैरान हूं, थोड़ा सा आप भी हैरान होंगे, क्यों, क्योंकि पहली बार कप्तानी कर रहे थे T20 वर्ल्ड कप में भारत की, और क्या पता जीत जाते, मतलब मैं तो कह रहा हूं भी जीत सकते हैं, तो आप जीतते तो फिर आप ट्रॉफी उठाते, अगर ट्रॉफी उठा के आप बोलो मैंने को नहीं करनी इसके बाद, आई मीन इमेजिन द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट दैट यू गेट। और उस समय आप कहते हो मुझे, मतलब नहीं जीतते और आप कहते हो कि नहीं करनी, इट्स ओके, मतलब बट एटलीस्ट टेक द टीम देयर इज व्हाट आई फेल्ट। मुझे लगा कि थोड़ा सा आप इंतजार कर सकते थे मे बी, क्योंकि इतनी ज्यादा अफवाहें चल रही थी, मतलब लोगों ने इतना उसका बवाल मचाया हुआ, तो उन्होंने कहा बस कर यार, सुन लिया मैंने बहुत, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू एंड दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू राइट अवे, इवन दो ये काम मुझे 15 नवंबर को करना था, पॉसिबल है। अब दूसरा सवाल होता है कि भाई रोहित शर्मा अगर कप्तान बनते हैं, जो कि बनेंगे, तो व्हाट डज ही ब्रिंग टू द टेबल, लॉट ऑफ थिंग्स बॉस, कमाल का ये कप्तान है, मैच से आगे चलता है, 8वें ओवर में मैच चल रहा होता है, 12वें ओवर में चल रहा होता है, दिमाग में, एंड ही जस्ट कंट्रोल्स द इनिंग्स, ही इज ब्रिलियंट इन दैट रिस्पेक्ट। और बाकी जो पूरी टीम है उससे इनको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, जबरदस्त इनकी इक्वेशन है, और जो खिलाड़ी एकदम टॉप क्लास है, तो मेरे विचार में विराट कोहली जाते हैं, रोहित शर्मा आते हैं, इट विल बी लाइक अ सीमलेस ट्रांजिशन, और भारतीय टीम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ही जस्ट टेक द इंडियन क्रिकेट टीम टू अ नेक्स्ट, टू द नेक्स्ट लेवल, ही इज दैट गुड। अब तीसरा सवाल आता है कि क्या ओडीआई क्रिकेट में कप्तानी करते रहेंगे कोहली, एंड दैट इज वेयर माय बिग क्वेश्चन इज, क्योंकि अगर आप देखिए विश्व क्रिकेट, ऑन मॉर्गन एंड जो रूट, टेस्ट वनडे T20 आए, मतलब व्हाइट बॉल का कोई कप्तान, टेस्ट का कोई, टिम पेन एरन फिंच व्हाइट बॉल का कप्तान कोई, और टेस्ट बॉल का, टेस्ट रेड बॉल का कप्तान कोई, ऐसा बहुत कम होता है कि एक कप्तान जो वो टेस्ट करता है वनडे करता है लेकिन T20 नहीं करता, आई मीन क्योंकि सी वनडे और T20 में ना आपका खेलने का अंदाज तो सेम रहता है, आपका जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट सेम रहता है, आपके ऑलमोस्ट प्लेयर सेम रहते हैं, तो फिर ऐसे में एक फॉर्मेट में एक कप्तान चल रहा है, दूसरे फॉर्मेट में दूसरा कप्तान चल रहा है, आई मीन दैट जस्ट डज नॉट मेक सेंस। तो मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म फ्यूचर में तो कोहली शायद ओडीआई के कप्तान भी ना रहे, 2023 वर्ल्ड कप होगा, मे बी ही इज नॉट द कैप्टन एनी मोर ऑफ दैट फॉर्मेट इज वेल, इट्स अ पॉसिबिलिटी। इससे पहले जो स्प्लिट कैप्टनसी हुई थी भारत के अंदर, वह थी अनिल कुंबले एंड महेंद्र सिंह धोनी, पर अनिल कुंबले सिर्फ टेस्ट खेल रहे थे उस समय, और धोनी जो थे व्हाइट बॉल खेलते थे, जब धोनी और विराट कोहली की आई तो धोनी ने टेस्ट छोड़ दिया और विराट कोहली को टेस्ट की कप्तानी, लेकिन धोनी जो थे व्हाइट बॉल खेलते थे। अब यहां पहली बार ऐसा हो रहा है कि दोनों खिलाड़ी जो हैं वो तीनों फॉर्मेट खेलेंगे, पर एक फॉर्मेट में एक कप्तान और दो फॉर्मेट में एक कप्तान, दिस इज गोइंग टू बी अ बिट ऑफ लाइक बैलेंसिंग एक्ट, मुझे लगता है ऐसा होने वाला है। लास्ट इसकी कौन होना चाहिए नेक्स्ट कप्तान इन लाइन, आपके पास मेरे विचार में तीन विकल्प है, तो श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत एंड केएल राहुल। श्रेयस अय्यर T20 में इज इन द रिजर्व, सो आई डोंट थिंक सो, तो फिर कौन हो सकता है, केएल राहुल और ऋषभ पंत। केएल राहुल इज ऑलमोस्ट लाइक एन इमीडिएट काइंड ऑफ फ्यूचर प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा एज का अंतर नहीं है रोहित और राहुल के बीच में, और पीछे जाना है और आप भविष्य की तरफ देखना चाहते हैं, अगर पीछे जाएंगे तो भविष्य की तरफ देखेंगे, दिस स्ट्रेंज राइट बट इट इज ट्रू, तो फिर आप ऋषभ पंत की तरफ जा सकते हैं, चलो भाई यहां पे मैं दांव खेलता हूं, देखते हैं अगले 5 साल में क्या होता है, सो दैट इज द पॉसिबिलिटी विच एवर वे यू वॉन्ट टू गो, बट इट्स एन इंटरेस्टिंग डिसीजन एट अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम, क्योंकि टाइमिंग जो है दैट लेफ्ट मी अ लिटिल सरप्राइज पजल, पर अभी के लिए इतना ही है। विराट कोहली की खूबसूरत सी हिस्टोरी ना, ये हम अपने एटिक में से निकाल के रहे हैं, प्लीज देखिए आज एकदम रेलेवेंट है।
विराट कोहली 70 से भी ज्यादा टेस्ट मैचेस, 250 से ज्यादा ओडीआईज, करीबन 6000 से ज्यादा टेस्ट रन्स और 11000 से भी ज्यादा ओडीआई रन्स, अनगिनत सेंचुरीज और फैंस का अपार प्यार। लेकिन वक्त हमेशा एक सा नहीं होता। कहानी है साल 2006 की, जब विराट केवल 18 साल के ही थे। 40 पे बैटिंग करते हुए विराट जब शाम को घर पहुंचे तो देखा विराट के पिताजी, जिनका सिर्फ एक ही सपना था, अपने छोटे से बेटे को बड़ा क्रिकेटर बनते देखना। 18 की उम्र में 40 के स्कोर पे विराट नाबाद थे, पर जिन आंखों ने उनके लिए सपना देखा था वो आंखें अब हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। पिताजी अब नहीं रहे। वो रात विराट की जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। विराट रात भर पापा के सिरहाने बैठे रहे, शायद उनसे यही बोल रहे थे कि पापा आपका सपना मैं जरूर पूरा करूंगा। अगली ही सुबह जब विराट अपना किट बैग उठाकर ग्राउंड की तरफ चल पड़े तो उनकी मां ने उनसे कुछ नहीं पूछा। मां को शायद पहली बार उस सफेद जर्सी में क्रिकेटर नहीं बल्कि अपने पापा का बेटा दिखा। ड्रेसिंग रूम में बैठे सीनियर्स उनको देखकर हैरान हो गए। दिल्ली टीम को तो उनकी जरूरत थी क्योंकि कर्नाटक के खिलाफ दिल्ली की हालत पतली थी। जो बच्चा अभी कुछ सालों पहले अपने पापा के कंधों पर घूमा करता था, आज उसके ही नाजुक कंधों पर दिल्ली की जीत का बोझ आ गया था। 4 विकेट गवा चुके थे और फॉलो ऑन बचाना भी मुश्किल लग रहा था। विराट 40 पर नाबाद थे और अगर वो भी नहीं खेलते तो फिर दिल्ली की हार तो तय ही थी। लेकिन मैच का ख्याल किसी के जहन में कहां था। सभी की आंखें थोड़ी नम थी क्योंकि कोहली को अभी अभी एक विराट दुख का सामना करना पड़ा था। लेकिन जब हौसले आबाद होते हैं तो खिलाड़ी जिंदाबाद होते हैं। ऐसे में क्या वो बैटिंग करने के लिए तैयार थे? वो आंखें रात भर सोई नहीं थी, पर शायद इसलिए कि उन आंखों में अब पापा के सपने बसे थे। सबके मन में यही एक सवाल था, क्या विराट तैयार हैं? विराट बस वही कर रहे थे जो उनके पापा चाहते थे। विराट जम कर खेले, क्या खूब खेले। मानो उनके पापा स्टेडियम में बैठे हों और उनका ये मैच देख रहे हों। विराट उन्हें अपने हर एक स्ट्रोक से थैंक यू बोल रहे हों। संघर्ष में विराट भले ही अकेले थे पर सफलता में उनके साथ पूरी दिल्ली खड़ी थी। पापा की आंखों का सपना आज देश की आंखों का तारा बन चुका है। खूबसूरत है, दिल को छूने वाली ये स्टोरी है। अब ट्रिविया जो पूछा था, इस ट्रिविया की बात कर लेते हैं कि भाई हु वाज द फर्स्ट एवर प्लेयर टू स्कोर एन आईपीएल 100 फॉर चेन्नई सुपर किंग्स। द नेम ऑफ द प्लेयर इज मिस्टर क्रिकेट माइकल हसी। 116 नाबाद 54 गेंदों में, ये मोहाली में किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ बनाया था। अर्स्ट वाइल किंग्स इलेवन पंजाब है, आजकल तो पंजाब किंग्स हो गए, PBKS। तो ये 2008 की कहानी थी, पर वो बहुत पुरानी कहानी थी। अभी तो चेन्नई मतलब उड़ रही है भैया, किंग्स के पास है विंग्स, तब भी विंग्स थे। पर अभी के लिए इतना ही, लाइक करो, शेयर करो, अपने प्रोफाइल पे इसको पिन करो, कमेंट सेक्शन को भर दो और दोस्तों को बताओ भैया #, आकाशवाणी पे मिलती आपको क्रिकेट की सारी कहानी। पीछे लिखा है सफाई में है भलाई, देखते हैं बैटिंग कैसी करते हैं। कैमरा कॉन्शियस बल्लेबाज, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा स्टांस, बैक नॉट अक्रॉस। अरे वाह वाह वाह, होल्ड द पोज माय फ्रेंड, ये जुनून है क्रिकेट का।